हाय गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक ज्ञान पे। तो आज की वीडियो में हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं टेक्नो पोवा 2 वर्सेस टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। तो गाइस, दोनों के दोनों मोबाइल 10,500 के अंदर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही गजब के मोबाइल है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी की पूरी बात करने वाले, दोनों का कंपेरिजन करने वाले और कौन सा मोबाइल सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी की पूरी बात करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले, अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें। तो ये आप लोग देख रहे हो टेक्नो पोवा 2, देख सकते हो पीछे के सिल्वर कलर अपने ने लिया हुआ है अभी फाइनली। और ये देख सकते हो आप स्पार्क 7 प्रो, बहुत ही गजब का पीछे का लुक आप लोग देख सकते हो। साइनिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है स्पार्क जो भी अपना ये स्पार्क 7 प्रो है उसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा साइनिंग टेक्नो पोवा के अंदर थोड़ा आपको कम देखने को मिल सकता है। और पीछे के कैमरे की बात करें तो टोटल आपको 3 कैमरे स्पार्क 7 प्रो के अंदर मिलेंगे और टेक्नो पोवा के अंदर टोटली 4 कैमरे मिलेंगे। तो ये इसमें एक वेरिएंट खास है, फिंगरप्रिंट आपको इसके पीछे की साइड मिलेगी टेक्नो स्पार्क के अंदर, और यहाँ पे आपको पोवा के अंदर यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट आपको मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया मोबाइल है। वेट की बात करें तो टेक्नो पोवा का वेट थोड़ा आपको ज़्यादा मिलने वाला है मुकाबले स्पार्क 7 के मुकाबले, बहुत ही ज़्यादा वेट टेक्नो पोवा का है। और स्क्रीन के मामले में तो आप देख ही पा रहे होंगे, तो भाई यहाँ पे टेक्नो पोवा बहुत ही बड़ी स्क्रीन है, 6.95 की इंच मिल जाती है यहाँ पे, और ये आपको 6.6 की इंच के साथ आपको स्पार्क मिल जाता है। तो दोनों के दोनों मोबाइल बहुत ही गजब के 7000 mAh आपको मिल जाता है इसके अंदर, टेक्नो पोवा 2 के अंदर मिल जाता है। और आपको टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, बहुत ही गजब के मोबाइल है। तो एक बार दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क के अंदर एक ऑफर चल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, टोटली फ्री 1500 रुपये का जो ईयरबड्स है वो आपको वायरलेस ईयरफोन फ्री मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑफर चल रही है, तो थोड़े टाइम तक ही रहेगी। तो जब जब बॉक्स के ऊपर आपको ये चीज़ दिखे तो आप लोग समझ जाना कि भाई ये ऑफर फ्री चल रही है अभी उस बॉक्स के ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हो टेक्नो पोवा के अंदर कोई भी नहीं है, 7000 mAh वाला बहुत ही बड़ी बैटरी आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, बैकअप के मामले में बहुत ही बढ़िया है। और टेक्नो पोवा की बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ी और डिटेल के अंदर, तो यहाँ पे टेक्नो पोवा आपको कंप्लीटली गेमिंग वाला मोबाइल मिल जाता है। आप लोग गेम खेलने के लिए ले रहे हो तो बहुत ही मजा आएगा, क्लियरिटी के मामले में बहुत बढ़िया है दोनों के दोनों मोबाइल। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें तो टेक्नो पोवा के अंदर आपको यहाँ पे बीच सेंटर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पूरा कैमरा, और यहाँ पे स्पार्क के अंदर आपको लेफ्ट साइड में दिखने को मिलेगा कॉर्नर साइड में। और बहुत ही बढ़िया मोबाइल है दोनों के दोनों ही, बहुत ही बेस्ट स्क्रीन दोनों की, दोनों बहुत ही स्मूथ है। 464 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट की वगैरह मिल जाती है बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो थोड़े बहुत वेरियंट में थोड़ा बहुत फर्क है यहाँ पे। तो सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपने कैमरा क्लियरिटी देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख ही पा रहे हो कैमरा क्लियरिटी के मामले में, मुझे लग रहा है भाई दोनों ही बेस्ट है मोबाइल कैमरा क्लियरिटी के मामले में, मींस दोनों ही बहुत ही गजब के मोबाइल है, फ्लैश लाइट वगैरह बहुत ही बढ़िया। और दोनों के अंदर ही आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा, बहुत ही गजब की देख सक रहे हो अभी। और स्क्रीन के मामले में तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि टेक्नो पोवा की स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ मोबाइल है दोनों के दोनों। तो अगर आप बहुत ही बढ़िया मोबाइल लेना चाहते हो दोनों के साइड से, मैं बोलूँ, मेरी रिकमेंडेशन करूँ, मीन्स आपको कौन सा लेना चाहिए मोबाइल, तो मैं बोलूँगा भाई टेक्नो पोवा 2 ही ले, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बैटरी बैकअप इसका बहुत है, मीन्स आप लोग लॉन्ग जर्नी पर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर आपको स्पार्क तो इतना कुछ मुझे लग नहीं रहा है, बट टेक्नो जो भी पोवा 2 है बहुत ही गजब का मोबाइल है। तो गाइस चलो यहाँ पर अपना वीडियो फिनिश करते हैं, और यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।